अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर सनल चैनल और वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ साथ दबाएं। ओके नहीं, सो मैं आज का प्लान आपको बताने जा रही हूँ। ओके, आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड की शादी पे। आज मतलब मेहंदी है, कल शादी है, जो उसके भी हम व्लॉग बनाएंगे और पोस्ट करेंगे, आप लोग देख लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी आज मुजम्मिल भाई रात को जा रहे हैं मुल्तान, ठीक है। और ये मोबाइल जो है ना मुजम्मिल भाई का है, वो अपने साथ लेके जाएंगे और बाकी व्लॉग वो बनाएंगे। एंड कल सुबह मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हम शादी पे जा रहे हैं ना और वो मुल्तान जा रहे हैं। एक व्लॉग मुल्तान का हो जाएगा और एक व्लॉग शादी का। सो गाइज, अभी हम जाएंगे मुजम्मिल की तरफ और कुछ इंटरव्यूज फैमिली से और मुजम्मिल का लेंगे, बाकी हम लोग चले जाएंगे। तो ये है रामीन, अभी अभी उठा है नींद से। हमारा कपड़ा नहीं देख रहा, बस बहुत गंदा है। गाइज, इसका कमरा मेरे मुँह से भी ज्यादा गंदा है। नहीं, मैं नहीं मानता। मुंह तो बिल्कुल गंदा है। ये माइला सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर सनल चैनल और वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, व्लॉग को एंड तक देखें। अभी कल रात आज रात मुजम्मिल भाई जा रहे हैं मुल्तान और व्लॉग बनाएगा आप लोगों के लिए। हम भी कल जा रहे हैं शादी पे, हम आपके लिए व्लॉग बनाएंगे। हमारा व्लॉग का वेट करिए, बहुत मजे का व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। लव यू ऑल, अल्लाह। सो ये भी मुजम्मिल है। सलाम सलाम, मकुले मिला खूबसूरती कह रहे थे। जैसा कि आपने देखा है कि शरारा माइला ब्रो मेरे आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। बात तो सही है। तो ये कल जा रहे हैं अपनी दोस्त की शादी पे और मैं जा रहा था 2-3 दिन के लिए मुल्तान। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी शादी कभी लोग अलग से पोस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम आपको बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, बदले में आप हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और हमारे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ मुल्तान, तो मैंने अलग से भी लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इन 2-3 दिनों के अंदर आपके ये दो भी लोग भी शरारा माइला की खिदमत के साथ बहुत मजेदार। माशाल्लाह, मामा कितनी प्यारी लग रही है। उम्मीद के साथ ठीक हो जाएगी, ठीक होंगे और हमारा व्लॉग को इन तक देखे ना सब्सक्राइब भी करना। हाँ, और थैंक यू सो मच गाइज, आज तक आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। और हम इसका इस प्यार को वो करेंगे आज के बाद। आपका कमेंट भी ये शरारा। हाँ, कमेंट सेक्शन रखेंगे। हाँ। और एंड पे आप लोगों का कमेंट पढ़ेंगे, कुछ सवाल हो, कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में और हम पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे आपको। गाइस, जैसा कि आज आपको शरारा माइला ने बताया है कि आज मुजम्मिल मुल्तान जा रहे, तो मैं जा रहा हूँ मुल्तान। तो रामीन ने मुझे मुल्तान भेजने के लिए मेरे पीछे मुझे एक छोटी सी दावत बना के दे रहे हैं। ये देखे रामीन आज मेरे लिए कढ़ाई बना रहे हैं। नहीं नहीं, कढ़ाई बना रहे और मैंने बनाई है रामीन के लिए चाय। ओहो, क्या गर्मा गर्म चाय। तो मतलब गाइस देखिए, हम अपना काम करना भी जानते हैं, हम चाय बनाना जानते हैं, बॉयल करना जानते हैं, कढ़ाई बनाना जानते हैं, बर्तन धोना जानते हैं और अपने साथ साथ काम भी करते हैं। तो तुझे बीबी चाहिए? नहीं, मुझे बीबी नहीं चाहिए भाई, मैं अकेला ठीक हूँ। तू मेरे लिए कढ़ाई बना, मैं लेके आ रहा हूँ नान। तो गाइस चलते हैं, अभी मैं नान लेने जा रहा हूँ। नान लेके तो रामीन जब तक कढ़ाई भी बना लेगा, हम चाय भी पी लेंगे, फिर उसके बाद मैं रवाना हो जाऊंगा इंशाल्लाह मुल्तान के लिए। तो आज मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि मेरा मुल्तान कैसे है, मेरे घर वाले कैसे हैं और कौन सी गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो सारा आप देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने बाइक निकाल ली है, अभी मैं जा रहा हूँ नान लेने के लिए और मुझे लेट भी हो रहा है। देखता हूँ कि मैं जो है कढ़ाई खा भी पाता हूँ या नहीं, क्योंकि बाकी टोटल 50 मिनट पड़े हैं। बस जी, तो गाइस ये हमारे फाइनली 4 नान भी तैयार हो गए हैं, बस हम ये लेके निकल रहे हैं। उम्मीद है कि पता नहीं रामीन ने खाना बना भी लिया होगा या नहीं, मुझे लगता है आज मैं लेट हो जाऊंगा। बस हम निकल रहे हैं जल्दी से, अल्लाह करे कि मेरा टाइम बच जाए कि मैं खा पी सकूं खाना। लगता है कि खाली पेट ही निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। चलो मैं नहीं तो चलो रामीन और आगा जान तो खा लेंगे, उनकी खैर है, मेरी खैर है, सॉरी उनकी ठीक है। तो गाइस मेरे साथ एक अफगानी दोस्त भी आया है, ये मेरा क्यूट सा फैन। ये कहता है कि मुझे भी व्लॉग में लेके आओ, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा फेम हो जाऊंगा। बोलो कुछ, बोलो सलाम सलाम बकुल मिलाद।
खूब हस्ती खैर हस्ती तो शुक्र हस्ती खुश आमदीन ओके फॉलो मी सब्सक्राइब ओके अल्लाह हाफिज़ वाह वाह क्या कढ़ाई बना रहा है यार अभी मैंने चाय बनाई है उसको साइड पे रख दिया कि हम पहले खाना खाएंगे जैसा कि मैं ये नॉन लेके आ गया हूँ ये रामीन जान दूध भी डाल रहे ऑल पर्पस इसमें यार क्या कढ़ाई है यार तुम्हारी बीवी को तो काम करने की किचन में जरूरत ही नहीं है तुम खुद काम करोगे मुझे लगता है हाँ तो गाइस जैसा कि मेरा शक बिल्कुल सही था मेरा टाइम निकल चुका है खाना नहीं खा सकता मैं अभी रामीन जान से अलाविदी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरी गाड़ी निकल जाएगी रामीन जान को मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप खुद खाना खा लेना ये देखे अभी तक रेडी हो रहे हैं चले तो गले तो मिल रहे भाई से ओके इंशाल्लाह मिलेंगे फिर खैर से। हाँ तो गाइस रामीन जान को मिलने के बाद अभी आगा जान से भी अलाविदी करते हैं इंशाल्लाह आगा जान मैं निकल रहा हूँ मुल्तान के लिए तो इंशाल्लाह ठीक 3 दिन के बाद मुलाकात होगी तो अल्लाह हाफिज़ी कर ले गले मिल ले अल्लाह हाफिज़ी शुक्रिया मैं आपका दुआ करेगा कि जाओ बखैर दोबारा आओ बिल्कुल इंशाल्लाह 2-3 दिन तो मैं आगा जान आपके लिए मैं मीठा सोन हलवा भी लेता आऊंगा जो पहले लेके आता था याद है याद है दोबारा भी लेके आऊंगा ओके ओके अल्लाह हाफिज़ बात यह है कि मैं हो भी लेट गया हूँ और मैं अपने इंजॉय वाले भाई को कह रहा हूँ कि भाई मुझे जरा जल्दी पहुँचा दे तो मेरे लिए बाकी आप सब दुआ करें कि मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ लेकिन मेरी गाड़ी ना निकल जाए तो आपने दुआ करना है कि मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ उधर पहुँच के बताता हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच सका हूँ यार तो गाइस फाइनली मैं अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गया हूँ ये बस अभी सामान भी रखने लगा हूँ तो आपकी दुआएं रंग लाई है मैं खैरियत से पहुंच चुका हूँ मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पहुंचूंगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे भूख लगी हुई थी मैं भाग के नीचे आया हूँ मैंने कहा जब तक मैं शवरमा खा लूँ मैं उसको चमकारा देख आया हूँ वो मुझे देख भी रहा है जल्दी बना दे यार भाई मुझे बहुत देर हो रही है जल्दी बस ये शवरमा खा के फिर मैं दोबारा निकलता हूँ मुझे लगता है मुझे 2-3 गालियाँ भी देगा कि कहाँ निकल गए मैंने उसे झूठ बोला मैंने कहा मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ इधर आके मैं अपना शवरमा बनवा लूँ क्या करूँ यार भूख लगी हुई है बात तो सही है उधर रमी ने खाना लेट बनाया था मैंने खाना ही नहीं खाया तो क्या करता अब कम से कम कुछ खाना तो पड़ेगा ना देख रहे चलें जल्दी करें राधा तो गाइस फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये भी शवरमा भी खा रहा हूँ मज़ेदार हमारी गाड़ी भी रवाना होने वाली है कब होगी पता नहीं चलो आराम से मैं अंदर आके शवरमा तो खा लूँ मैं भूख तो मिटा लूँ अपनी ठीक है हाँ तो मेरी बस फाइनली अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा सफर शुरू हो चुका है बस दुआ कीजिएगा कि हम सुबह खैरियत से अपने घर को पहुँच जाएँ तो उधर चल के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा मैं आगे क्या क्या करता हूँ So guys, finally, alhamdulillah, I have reached to my town, I'm going to outside of bus, अब निकल रहे हैं हम बस से बाहर अपने गाँव की जो मिट्टी है ना वो भी बहुत प्यारी लगती है थैंक यू सो मच सर तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव में तो इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद टू सिटी अलीपुर ये मेरा क्यूट सा शहर है तो बस अभी मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ तो मिलते हैं मेरे घर पे मेरे अम्मी अबू से ठीक है हाँ जी तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर मैं सुबह आया हूँ सारे सोए हुए थे असल में मैंने दिया था सरप्राइज किसी को पता भी नहीं था कि मैं आया हुआ हूँ या नहीं तो आपको जैसे कि पता है हम वहाँ पे इस्लामाबाद में KFC पे कभी कहाँ हम खाते रहते हैं फास्ट फूड आज घर के खाने पे मिला है देसी खाना ये मेरी माँ बैठी हैं ये खाना आज मैं अपनी माँ से पूछता हूँ उर्दू में कि मेरी माँ मैं आपको कैसा लगता हूँ बहुत प्यारा बहुत प्यारा लगते हो हाय हाय इतना सुकून तो आज देखे मेरी माँ मेरे लिए जो खाना है ना वो देसी बना रही है तो आज आए आप खाएं मेरे साथ मुझे नहीं लगता कि आप खाना चाहते हैं बाकी मेरे वाले साहब अबू अभी थे इधर पता नहीं मुझे मिल के इधर उधर चले गए हैं मिलूंगा उनसे भी एक शॉट ले लूंगा अपने वाले साहब को भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे अबू कौन है जैसा कि सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके अम्मी अबू कहाँ पे हैं आप कहाँ रहते हैं तो मैंने आपको अभी अपना गाँव भी थोड़ा सा दिखाना है अपने अम्मी अबू भी दिखा दिए तो उम्मीद है कि सारा वीडियो आपको बहुत प्यारे लगे होंगे तो जैसा कि आप प्यार दे रहे हैं और इसी तरह आपने हमें प्यार देना है और आपको एंटरटेन करने के लिए मैं मजीद मेहनत करूंगा और मजीद व्लॉग बनाऊंगा ठीक है हाँ तो गाइस ये देखें ये मेरे चाचू की बेटी है बहुत प्यारी सी अनाया नाम है बहुत प्यारी बीबी है मेरी हमारी बहुत प्यारी बीबी है छोटी छोटी
मेरे चाचू की बेटी, हम तो इसको उर्दू में कहते हैं चचा जाद, फारसी में क्या कहते हैं पता नहीं, कमेंट में बताइएगा कि फारसी में चचा की बेटी को क्या कहते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी सी मासूम सी प्यारी बेटी अनाया से आए अनाया अनाया। हाँ तो गाइस आज मैं आया हुआ था गांव में अपने दोस्त के साथ अपने मामू जान को लेने। ये है मेरी भांजी फातिमा। फातिमा हाय बोलो बाबा। हाय शर्म आ गया जी, शर्म आ गया। तो ये हैं जी हमारे गांव के नज़ारे, उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। ये मेरा यार भी शर्मीला है मिसम, हाय बोलो ना यार। हाय पूछो कैसे हो गाइस, ठीक है सब? कैसे हो गाइस, सब ठीक हो? ठाक हो? हाँ पूछो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो कि नहीं? सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई। क्या क्या लफ्ज बोले? सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब सब्सक्राइबर हैं भाई हमारे, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, फैन हैं गाइस। इतना खूबसूरत व्यू, इतना मज़ेदार तरोताज़ा हवा, और वो चलते हुए ट्यूबवेल में ठंडा ठंडा पानी, इस गर्म मौसम में नहाने के मज़े। यार आप भी लोग अफगानिस्तान में भी देखते होंगे, उधर भी ऐसे गाँव होंगे, उम्मीद है आपको भी मज़ा आता होगा। इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी है वो प्रोफेशनल है, लेकिन देहात की जो ज़िंदगी है वो बहुत मज़े की है। ये चेक करें ट्यूबवेल चल रहे हैं, क्या नज़ारे हैं खूबसूरत, क्या रोडें हैं, बागात हैं। विजम भाई शहरी ज़िंदगी पसंद है आपको या गांव की? गांव, गांव की ज़िंदगी में सुकून है यार, बहुत सुकून है, यकीन मानो बहुत सुकून है और बहुत इज्जत भी है। बिल्कुल, और मैं 3 दिन के लिए आया हूँ, मैंने गाँव के विजिट ही करने और मज़े करने हैं बहुत। फाइनली गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे कि आप पिछले व्लॉग की देख के हमें प्यार दे रहे हैं सब्सक्राइब करने को, उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो बस करने लगे हैं, अल्लाह हाफिज़। फातिमा कुछ कहना चाहती हो? क्या बोलो बोलो बोलो। फिर शर्मा रही है जी, फिर शर्मा रही। तो करते हैं अल्लाह हाफिज़, आ जाओ अल्लाह हाफिज़ करो, बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।